हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे राजा शांतनु व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं अपने खेत देखने के लिए आए हुए हैं जो कि मेरा धान के खेत है। देख रहे हैं कितना हरा हरियाली है। और चलिए आप लोगों को हम अपना खेत दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी तरीका से हमारे वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं ये मेरा धान का खेत है और इसका लगा हुआ लगभग लगता है 20 दिन हुआ होगा और इसमें 2 पानी दे चुके हैं और कल वर्षा हुआ है, तो वर्षा हुआ है लेकिन इसमें पानी नहीं है, देख सकते हैं। और फिर लगता है कि 2 दिन धूपा करेगा तो फिर पानी लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरा खेत है, आप देख सकते हैं कितना हरी और हरियाली है। और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें और प्यार देते रहें। ये मेरा 4th वीडियो है, मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ लंबा लंबा और कुछ शॉर्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। मेरा धान है और मेरा चचा का धान है, देख सकते हैं इधर साइड। ये 3 कट्ठा 3 कट्ठा यानी 6 कट्ठा धान का खेत है हम लोगों का यहाँ पर। और चचा का लड़का देख सकते हैं आया हुआ है जिसका नाम है सुदर्शन कुमार, देख सकते हैं। पानी सूख चुका है और हम लोगों को लगता है कि 2 दिन के अंदर पानी लेना पड़ेगा। और चलिए और हम लोग, ये मेरा गांव के एरिया, गांव है बगल में, देख सकते हैं गांव के बगल का खेत है। और हम अभी टाल क्षेत्र भी जाएंगे जो कि मेरा टाल क्षेत्र में कुछ धान है। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए ऐसे ही। और साइकिल लाए हुए हैं जो कि साइकिल वहां पर है और साइकिल से हम लोग टाल क्षेत्र में जाएंगे। और देख सकते हैं ये छोटा मोटा एक बगीचा है यहाँ पर और कुछ यहाँ पर तार का पेड़ भी है जो कि फेदा, देख सकते हैं जो तार का फल होता है जो गिरा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। और सुदर्शन जी अभी जा रहे हैं, साइकिल लाएंगे, जाइए साइकिल लेके आइए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बगीचा की ओर जा रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे लाइन भी है और ट्रेन भी आ रहा है, देख सकते हैं वहाँ पर ट्रेन आ रहा है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, देख सकते हैं ट्रेन, वहाँ पर ट्रेन आ रहा है, देख सकते हैं ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जा रही है। दोस्तों हम लोग बगीचा में इन कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया वीडियो आ रहा होगा, उम्मीद है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और देखिए साइकिल जंगल में चलाने के लिए चला गया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपना टाल क्षेत्र भ्रमण करवाऊंगा और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। मैं एक छोटा सा व्लॉगर हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं व्लॉग चैनल बनाने के लिए और अपना प्यार देते रहिए। हो सके तो मैं एक बड़ा व्लॉगर भी बन सकता हूं, आप लोग का प्यार मिले तो, धन्यवाद। देख सकते हैं फिर से वो आ रहा है, देख सकते हैं जंगल में साइकिल चला रहा है, बताइए। बच्चा है, अभी नया नया साइकिल सीखा है और देख सकते हैं। और हम लोग टाल क्षेत्र चलेंगे इसी तरीका से, बने रहिए हमारे वीडियो, धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। यहाँ पर थोड़ा पतला लाइन है, पतला रोड है, मतलब पतला एक पैदल चलने का रास्ता है लेकिन उस पर साइकिल चलाते हुए जा रहा है, इसलिए हम नहीं चढ़ पाए साइकिल पर। तो दोस्तों यहाँ से कुछ दूरी पर एक रोड है जिस रोड से हम लोग साइकिल चलाते हुए अपना फोर लाइन पार करते हुए अपना खेत की ओर जाएंगे। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बाबू क्या हाल है, ठीक है? दोस्तों अब हम लोग रोड पर चल रहे हैं, देख सकते हैं रोड पर आ चुके हैं, बगल में फाटक है। क्या अब दोस्तों हम लोग टाल की ओर जा रहे हैं और साइकिल पर चढ़ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। एक छोटा
सा बिहार कुमसिंग मिल है जहाँ पर बदबू देता है और ये यहाँ पर हड्डी पिसाता है, यहाँ पर बहुत कम होता है और हड्डी से यहाँ पर खाद बनता है। मतलब सटने वाले हैं बगल में फोर लाइन और हम लोग फोर लाइन पार करेंगे और एक छोटा सा मंदिर मिलेगा और हम लोग धान के खेत के पास पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी है, इसमें मछली मारेंगे। आ चुके हैं दोस्तों, झरना। पहुंचने वाले हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बगल में देख सकते कितना हरा हरियाली है, तालाब है बगल में। प्रधानमंत्री योजना के तहत पेड़ लगा है। दोस्तों अब हम लोग अपना खेत के निकट पहुंच चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं सीढ़ी है क्योंकि एक छोटा सा तालाब है, उसी के नीचे उतरने के लिए यहाँ पर शायद बनाया गया है और हम लोग खेत के निकट पहुंच चुके हैं और खेत देखने जाएंगे। थोड़ा सा घूम लेते हैं, यही पुल के पास हम लोग रुके हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे ही छोटा छोटा व्यू आप लोग को दिखाते रहेंगे और वहाँ पर हम लोगों का खेत है, वहाँ देखते हैं कैसा धान है और धान में पानी है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सा कादो है, पानी पड़ा है तो गीला गीला हो गया है और यही गीला रोड में हम लोग को जाना है अपना खेत में। बने रहिए हमारे साथ, ये गीला पूरा चप्पल में भी लगेगा, पूरा गीला गीला रोड है। यहाँ पर कुछ भैंस जाती है चरने के लिए, वही लोग पूरा गंदा कादो कादो कर देती है। तो हम अपने खेत के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं और पानी यहाँ पर तो है कुछ कुछ पर, देख सकते हैं। सुदर्शन पहुंच गया है और हम भी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मेरा धान,
और धान में तो कुछ कुछ पानी लग रहा है, ये देख सकते हैं। इतना तो नहीं लेकिन कुछ कुछ पानी है। यहाँ पर चप्पल धर देते हैं। सही बने रहिए और हम अपना खेत दिखाते हैं आपको। हमारे खेत में पानी है, देख सकते हैं वर्षा का पानी जम गया है। कल बीता हुआ, कल और परसों यहाँ पर बिहार में बहुत पानी हुआ है और मेरा धान में पानी हो गया है, देख सकते हैं हमारे खेत में पानी भी पानी। देखिए ये मेरा धान का खेत है, देख सकते हैं आप। यहाँ से लेके ये वाला तक, ये भी ये और एक ये, वहाँ पर देख सकते हैं कुछ धान गड़बड़ाया है, लेकिन अब पानी हो गया है तो कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पर पानी गिर रहा है, इसको बंद करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पानी गिर रही है, इसको बंद करेंगे कादा से। बंद हो गया, यहाँ पर कादे से बंद कर देंगे। ये रहा एक छोटा सा टोना नीचे वाला, इसमें भी पानी है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं और दोस्तों हमारे वीडियो पर प्यार देते रहिए और पूरा देखने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही मैं छोटा छोटा व्लॉग्स लाता रहूँगा और आप लोग की सपोर्ट हुआ तो मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूंगा और आप लोगों के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। धन्यवाद।